सन 1857 से आजादी तक का समय बड़ा ही अजीब था। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ समाज सुधार के आंदोलन हो रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने दोनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा ध्यान एक ही तरफ लगाया हुआ था। देश में जगह जगह नए स्कूल और कॉलेज खुल रहे थे। एक ऐसे समय पर लोगों को सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ जागरूक किया जा रहा था, जब ऐसे सवालों पर सोचना एक जोखिम भरा काम था। लेकिन यही वो समय था जब एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर अलीगढ़, जिसके आंचल में समाया है सदियों का इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के साथ साथ यहाँ की शिक्षण संस्थाओं का भी अपना एक इतिहास है। इतिहास के इन्हीं पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से अंकित है विमेंस कॉलेज अलीगढ़ और अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज का इतिहास। स्कूल की शुरुआत एक छोटे से किराए के मकान से की गई, जो बाद में सन 1910 में मोहल्ला बनी इसराइल की नई बिल्डिंग में लाया गया। अपनी बदनसीबी पर रोते हुए ये खंडर लगातार अपने पतन की ओर अग्रसर है और मुमकिन है कि कल यहाँ आपको कोई ताले बनाने की फैक्ट्री या आलीशान बारात घर मिले। सन 1875 में आधुनिक शिक्षा के हिमायती सर सैयद अहमद खां और उनके दोस्तों ने एमएओ कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की, ताकि मुसलमान लड़के अंग्रेजी पढ़ लिख कर सरकारी अफसरशाही में अपनी जगह बना सके। उस वक्त मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने इस अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजियत का कड़ा विरोध किया। अंग्रेजी तालीम अगर लड़कों को दी जाएगी तो वो मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई हो जाएंगे। अंग्रेजी जबान से शक और डर, यानी मुसलमानों का जो नजरिया उस जमाने में था, उसके ऊपर इकबाल का एक शेर याद आता है मुझे। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। बजाय इसके कि वो सर सैयद का साथ देते, वो और जोर और शोर से अरबी और फारसी की तालीम में पड़ गए। मुखालफत के बावजूद एमएओ कॉलेज शिक्षा का केंद्र बना। पुंछ कश्मीर में पैदा हुए शेख अब्दुल्ला ने लाहौर में सर सैयद की तकरीर सुनी और आगे पढ़ाई करने सन 1889 में अलीगढ़ चले आए, लॉ किया और यहीं वकालत शुरू कर दी। अलीगढ़ तहरीक में आगे आगे रहे और बाद में सर सैयद मेमोरियल फंड के सेक्रेटरी भी हो गए। शेख अब्दुल्ला की शादी दिल्ली के एक मुगल खानदान में वहीद जहां बेगम से 2 फरवरी सन 1903 को हुई। वहीद जहां ने घर में उर्दू और फारसी के साथ साथ अंग्रेज उस्तानियों से हिसाब और अंग्रेजी की तालीम भी हासिल की थी। दोनों ही लड़कियों की तालीम के हक में थे। खुदा ने भेजा था उनको इसलिए कि वो औरतों की एजुकेशन के अंदर काम करें, और सोने पे सुहागा ये था कि एक ऐसे आदमी से शादी हुई जिसने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए कर दी। सन 1896 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने मुसलमान औरतों को पढ़ाने के लिए शोबाए तालीम निस्वा बनाया था, जो लगभग ठप पड़ा था। सन 1902 में शेख अब्दुल्ला उसके सेक्रेटरी बने और उसमें नई जान डाली। बेगम अब्दुल्ला लड़कियों की तालीम की बहुत बड़ी समर्थक थी। लड़कियों को पढ़ाने के सवाल पर छतारी कंपाउंड में अपने घर पर पढ़ी लिखी औरतों की एक मीटिंग की। मीटिंग के फैसले छाप कर बांटे गए तो बड़ा विरोध हुआ। कई और समाज सुधारकों की तरह सर सैयद का भी ये मानना था कि आम लड़कियों के लिए पारंपरिक शिक्षा ही काफी है, लेकिन शेख अब्दुल्ला और बेगम अब्दुल्ला के ख्याल बिल्कुल इसके खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि बिना महिलाओं की तालीम के समाज में सुधार लाना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान इसी तरफ लगा दिया और इसका बहुत विरोध भी हुआ। जब सर सैयद ने अपना काम शुरू किया था तो उनका समर्थन करने वाले कई लोग थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला और बेगम अब्दुल्ला के साथ खड़े होने वाले एक दो ही लोग थे।
سر سید کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ پہلے لڑکوں کی تعلیم ہو جائے، جو پڑھا لکھا مرد ہوگا وہ ایک جاہل بیوی کو پسند نہیں کرے گا۔ تو سب سے اچھا گارنٹی، دا بیسٹ گارنٹی آف ویمنز ایجوکیشن از پڑھا لکھا مرد۔ میرے نانا جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکیوں کی تعلیم رہ گئی تو پوری سوسائٹی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ سن 1903 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا سیشن بمبئی میں ہوا۔ پہلی بار پردے میں بیٹھ کر عورتوں نے تقریریں سنی۔ فیصلہ ہوا لڑکیوں کو ان کے گھر پر پڑھانے کے لیے استانیوں کو ٹرینڈ کیا جائے، جس کے لیے نارمل اسکول کھولا جائے۔ لیکن وہی جہاں بیگم اور شیخ عبداللہ جانتے تھے کہ ٹریننگ لینے سے پہلے ان لڑکیوں کو خود پڑھنا ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسکول کہاں کھولیں، پیسہ کہاں سے آئے گا، لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، ان سب کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ شیخ صاحب نے عورتوں کی تعلیم کے حق میں ماحول تیار کرنے کے ادیش سے سن 1904 میں خاتون نام کی ایک میگزین نکالنا شروع کیا۔ ایک ورودھی نے لکھا، سید احمد نے مردوں میں اسلام ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور ان کا شاگرد عورتوں کا استعمال اسی کام کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ بھوپال کے نواب سلطان جہاں بیگم لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی سمرتھک تھی۔ شیخ عبداللہ نے بھی ان کو ایک خط لکھا، میں لڑکیوں کا ایک مدرسہ شروع کرنا چاہتا ہوں، نہ پیسہ ہے اور نہ لوگوں کا ساتھ، اگر آپ کی اور سے دونوں طرح کی مدد مل جائے تو مشکل آسان ہو جائے۔ جلد ہی بھوپال کے نواب کا جواب آیا کہ اگر تم علی گڑھ میں کوئی مدرسہ کھول لو تو ریاست بھوپال کی طرف سے ہر مہینے تمہیں 100 روپے کی مدد ملا کرے گی۔ لکھنؤ میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس سن 1904 میں ہوئی۔ شیخ صاحب نے بیگم بھوپال کا خط دوستوں کو دکھایا۔ بارادری کوثر باغ کے پاس شیخ صاحب نے ایک میٹنگ کی۔ یہاں علی گڑھ میں لڑکیوں کا اسکول کھولنے کا فیصلہ لیا گیا۔ سن 1905 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا سیشن علی گڑھ میں ہوا۔ شیخ محمد عبداللہ اور وحید جہاں بیگم نے اسکول کھولنے کے حق میں ماحول بنانے کے لیے عورتوں کی کانفرنس کی اور عورتوں کی دستکاری کی ایک نمائش بھی کی۔ وہ 30 دسمبر کی شام تھی جب مشہور نیتا مولانا شوکت علی نے شیخ عبداللہ سے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کو اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی ٹرسٹی شپ سے استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ تو اب علی گڑھ میں دو دل بن گئے، ایک جو مہیلاؤں کی شکشا کے خلاف تھا اور ایک جو اس کے حق میں۔ بہرحال اس دن علی گڑھ میں لڑکیوں کے اسکول کی ایک بنیاد تو پڑھی گئی۔ ٹیچرز کی تلاش نے زور پکڑا۔ دلی میں ایک ٹیچر اختری بیگم کی خبر ملی۔ شیخ صاحب اور بیگم دلی پہنچے۔ اختری بیگم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اکیلی علی گڑھ نہیں آ سکتی تھی۔ پاپا میاں ایک ٹیچر کو لانا چاہتے تھے قرآن شریف پڑھانے کے لیے، تو اس نے کہا میرے میاں کو بھی لے چلو، میری ماں کو بھی لے چلو، میری بیٹی کو بھی لے بیٹے کو بھی لے چلو، وہ سب کو لائے۔ سن 1906 کے آخر میں اوپر کوٹ میں کرائے کے مکان میں ایک پردے کا انتظام کر کے اسکول شروع کر دیا گیا۔ لڑکیوں کو لانے لے جانے کے لیے ڈولیوں اور کہاروں کا انتظام کیا گیا۔ بیگم عبداللہ کا اصل کام اب شروع ہوا۔ وہ اور ان کی بہنیں روز رسل گنج سے اسکول جاتی۔ اختر بیگم اسکول میں ہی رہتی تھی۔ بچوں کو قرآن، اردو اور حساب وغیرہ پڑھایا جاتا تھا۔ ورودھ کے باوجود 3 مہینے میں ہی اسکول میں 50 لڑکیاں ہو گئیں۔ زیادہ تر بچیاں غریب گھروں سے آتی تھیں۔
स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ। रिपोर्ट में बेगम अब्दुल्ला और उनकी बहनों के काम की बड़ी तारीफ हुई। यूपी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 250 रुपए महीना और बिल्डिंग के लिए 17,000 रुपए देने का फैसला किया। शेख अब्दुल्ला साहब ने तो एक मुहिम शुरू की, लेकिन उसमें लड़कियों को जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है आला बी ने, उसकी तो मेरे ख्याल से कोई मिसाल दूसरी नहीं हो सकती है। तो अगर वो नहीं होती तो शायद एलीट क्लास की बच्चियां तो आगे बढ़ती ही, क्योंकि उनके करेंट्स दूसरे होते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है लोअर मिडिल क्लास की बच्चियों की तरफ। अलीगढ़ की जो लड़कियाँ थीं वो बहुत मामूली तक है, बड़े लोगों के काम पे तो जूं भी नहीं रहेंगी। पापा मियाँ के इस स्कूल का उन्होंने नोटिस नहीं लिया किसी ने, लेकिन मामूली हैसियत के लोग जो हैं, जैसे ये औसत दर्जे के, बल्कि उससे भी औसत कम दर्जे के लोग, जो जिनकी लड़कियों के पास साफ कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, जिनके पास फीसें भी नहीं होती देने के लिए, उन्होंने हमारे से वहाँ से पढ़ा। शेख साहब ने शहर से दूर घर बनाने के लिए जो जमीन खरीदी थी वो स्कूल के नाम कर दी। यहीं और भी जमीन खरीदी कुल 40 एकड़, जिस पर स्कूल, कॉलेज और सारे हॉस्टल बने। हॉस्टल शुरू हुआ और अख्तरी बेगम वार्डन बने। सन 1911 में नई बिल्डिंग शुरू हुई। वहीदिया हॉस्टल सन 1913 में तैयार हुआ। पहले दिन बेगम अब्दुल्ला की 3 बेटियों समेत कुल 9 लड़कियों ने दाखिला लिया। घर को नौकरों पर छोड़कर बेगम अब्दुल्ला दूसरी टीचरों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। यहीं वो बेगम अब्दुल्ला से आला बी बनी और शेख अब्दुल्ला पापा मियां। आला बी जो है, आला एक खाला के उसमें था, और बच्चे चूंकि खाला नहीं कह पाते थे तो वो आला कहते थे। इस तरह से उनके अपने बच्चे जो थे, जो भांजे भांजियां और ये आला उनको कहते थे, तो एक तरह से वो सबके लिए आला भी बन गई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उनका बर्ताव, मोहब्बत, खलूस, प्यार जो बच्चों के साथ था, वो ऐसे ही लगता था कि वो सबकी ही खाला हैं। साल में एक मरतबा पापा मियाँ सब बच्चियों को जमा करके और उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बताया करते थे कि स्कूल में शुरू में कैसे बना, क्या हुआ। तो पर्दे की वजह से वो सबके सामने नहीं आते थे। इस दरवाजे के पास एक गैलरी है छोटी सी, वो उसमें से आके और इस कमरे में बैठ जाते थे। ये प्रिंसिपल का दफ्तर था। जब सब लड़कियां यहाँ जमा हो जाती थी और एक स्क्रीन यहाँ लगा दी जाती थी, ये दरवाज़ा बंद होता था, स्क्रीन मेरे पीछे से यूँ करके यूँ होती थी। तो लड़कियां थोड़ी सी छोटी बच्चियां जो होती थी वो तो दिखाई देती थी, बाकी सब पर्दे में हो जाते थे। स्कूल की सारी लड़कियां उन्हें पापा मियां कहती थी और वो उन्हें मेरी बच्चियां। फिर भी वो लड़कियों के सामने नहीं आते थे और ऐसा बहुत साल तक हुआ। सबसे बड़ा मकसद उनका क्या था? तालीम देना। पर्दे में दीजिए, बगैर पर्दे के दीजिए। एक दफा वो पढ़ने लगेंगी तो फिर और भी ख्यालात में, मतलब एक वो हो जाएगा कि भाई ये आगे सोचने की सलाहियत पैदा होगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुसलमान लड़कियों का ये अकेला स्कूल था जिसमें हॉस्टल था। ऐसी लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलना, जिन्होंने घर से बाहर कभी कदम भी नहीं रखा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी आला बी ने निभाई। जब गर्मियों में फैमिली जाती थी हिल्स के ऊपर, सब जाते थे, देहरादून, मसूरी, नैनीताल 2.5 महीने के लिए, तो कोई लड़कियां ऐसी होती थी जो बसरे से आई हुई हैं, उनके माँ बाप को इतना इत्तेकाद और इत्तबार पापा मियाँ और आला बी पे है कि वो 2.5 साल के लिए आए हैं वहाँ पे। उन्हें यहाँ का कुछ नहीं मालूम है कि भाई बंद हो जाता है। अगर मामाओं को रख लो, मामा मतलब बुआ लोगों को रख लो, नौकर सर्वेंट को रखो, तो बात नहीं होती। तो अम्मा नहीं जाती, सब जाती थी। वो कहती थी कि इतने एतबार से इन्होंने पापा मियाँ और हमारे पर छोड़ा अपनी बेटियों को, तो हम किस तरह इनको नहीं करें। वो नहीं जाती। स्कूल तो बन गया, लेकिन अलीगढ़ के बड़े लोगों ने अपने को स्कूल से ज़रा दूर रखा, तो आला बी ने उन परिवारों से मिलना शुरू किया जो बड़े शहरों में अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। वो खुद हॉस्टल में रहने लगी ताकि वो इन बच्चियों की देखभाल और हिफाजत एक माँ की तरह कर सकें। फिर वहीदिया हॉस्टल के बाद सुल्तानिया हॉस्टल बना,
एक स्कूल की इमारत बन गई, और जब पहली बार उनकी बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो खुद अपने हाथों से उन्होंने उनकी चुन्नियाँ रंगी। यूपी में जब इंटर स्कूल गेम्स हुए और उनकी स्कूल का दल पहली बार वहाँ गया तो वो फूले नहीं समा रही थी। यही नहीं, जब वो बच्चियाँ ढेरों इनाम लेकर वापस आईं तो उन्होंने पाया कि आला भी फूलों के हार लेकर खुद उनकी अगवानी के लिए स्टेशन पहुँची हुई थी। यानी कि उन्होंने वो सब किया जो एक माँ अपनी बच्चियों के लिए करती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा किया। मेरी वालदा ने मुझे काफ़ी बार ये बताया कि उनसे नाना कहते थे कि तुम शादीवादी के बारे में ध्यान मत लगाओ, तुम्हें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। तो जो कॉलेज था उनके लिए, कॉलेज और स्कूल, वो था नंबर वन उनकी जिंदगी में। और जो फैमिली रिश्ते थे वो उसी में, उसी से कनेक्टेड थे। सन 1906 में स्कूल की शुरुआत के दिन से आलाबी ने इस तरह अपने आप को दिन रात खपाया, जिसका सिलसिला 33 साल तक चलता रहा। आखिरकार दिन रात की इस मेहनत ने उन्हें टीबी का मरीज बना दिया, और ये बीमारी 18 अगस्त सन 1939 को उनके साथ हो गई। वो प्यार जो आलाबी ने स्कूल की लड़कियों को दिया, वही गर्ल्स स्कूल की असली पूंजी थी, और उसे आज भी याद किया जाता है। हम लोग 15 या 17 लड़कियां थी जो 6th क्लास का एग्जाम देने जा रही थी। आलाबी ने एग्जाम देने वाली सब लड़कियों को उनकी पसंद के गोटेदार रंगे हुए दुपट्टे पहनाए और हार पहनाए। लड़कियों से इतना प्यार करने वाली कोई हो नहीं सकती। खासतौर से त्योहारों के दिनों में जब नवाबों के घरों की बड़े बड़े हर तरह के लोगों घरों से आती थी लड़कियां, तो उन्हें त्योहारों के दिनों में घर की बड़ी याद आती थी। ईद आने वाली है और बकरीद आने वाली है, शबरात आने वाली है, तो उन दिनों वो अपना घर छोड़ के, अब्दुल्ला लॉज छोड़ के हॉस्टल में बस जाती थी आके, और लड़कियों के दुपट्टे रंग रही हैं, उनमें गोटे टाँक रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, लड़कियों को सिवैयाँ बना के भेज रही हैं, अगर ईद है या कोई दूसरा त्यौहार है तो वो बना के दे रही हैं, कोई लड़की बीमार पड़ जाएगी तो अपना घर छोड़ के उसकी तीमारदारी के लिए आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि माँ बाप के दिलों पे उसका बहुत गहरा असर हुआ, और धीरे धीरे लड़कियाँ जो गिनती में शुरू में बहुत ही कम थी हॉस्टल में, वो बढ़ना शुरू हुआ। सावन के गीत होते थे, पकवान होते थे। उसके बाद मैंने 2 मरतबा देखा है कि जब वो घर पर गई हैं, याद कर रही होंगी अपनी बेटियों को भी, खुर्शीद आपा को और औरों को, तो मैंने उनके आंखों में आंसू देखे हैं। वो है ना, अम्मा मेरे अब्बा को भेजो रही कि सावन आया रही, बेटा तेरा अब्बा तो बूढ़ा रही कि सावन आया रही, ये पूरा कह के मेरे भैया को भेजो रही कि सावन आया रही, बेटा तेरा भैया तो बाला रही, और फिर अम्मा मेरे मामा को भेजो रही कि सावन आया रही, बेटी तेरा मामा तो बांका रही। इस तरह से उनके आंसू गिरते थे। She was so moved by things. She must have been a poet at heart to understand the real feeling of the man or woman who has said these things. आलाबी को करीब से जानने वालों में से एक हैं सईदा आपा, जिन्होंने यहाँ पढ़ा भी और बाद में यहाँ पढ़ाया भी। सईदा आपा सन 1926 में स्कूल आईं और यहीं से उन्होंने अपना मैट्रिक किया। बाद में उन्होंने बीए ज्योग्राफी में किया, और ज्योग्राफी में ही एमए करने के लिए उनको एक वजीफा भी दिया गया। अब शर्त ये थी कि वो एमए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से करेंगी, और समस्या ये थी कि उस ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीएड और एमएड के अलावा और किसी भी विषय में औरतों को दाखिला नहीं दिया जाता था। खैर, दाखिला मिला, लेकिन एक साल की कोशिशों के बाद, और वो भी कुछ यूं कि एक अलग कमरा और आने जाने के लिए एक अलग जीना। मेरे लिए खास तौर पर अलग सीढ़ियाँ बनाई गई,
क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी उनसे लड़के भी जाया करते थे, उन सीढ़ियों पे से मैं नहीं चढ़ सकती थी, और वो सीढ़ियाँ सीढ़ी जो मेरे लिए बनी उस पर से लड़का नहीं चढ़ सकता, उस पर लिखा रहता था फॉर लेडीज ओनली, बल्कि डिपार्टमेंट में सईदा की सीढ़ियाँ कहलाती थी। सन 1964 तक पापा मियां अपनी आखिरी सांस तक तालीम से जुड़े रहे। अपने मकान के आधे हिस्से में उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया जो आज अब्दुल्ला नर्सरी के नाम से जाना जाता है। अपनी वसीयत में अपना मकान यूनिवर्सिटी के नाम कर गए, अपने लिए सिर्फ दो गज जमीन रखी आला के नजदीक। जब वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव के पास थे तब राष्ट्र ने उनको उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण का सम्मान दिया। आज साइकिलों कारों और स्कूटरों पर लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाकर देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि एक समय यहाँ हर तरफ से बंद बैलगाड़ियों इक्कों और पालकियों में लड़कियाँ आती थी ताकि वो शब्दों की पहचान कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लपेराती है दुआ बन के तमन्ना में। आज जहां 1200 से अधिक लड़कियां और 150 से अधिक टीचर्स रहते हैं, उस हॉस्टल की शुरुआत 9 लड़कियों और 3 टीचर्स से हुई थी। मेरे वतन की जीनत हो, मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से हो चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको। जहाँ शुरुआती सबक बिना किसी किताबों के दिए गए थे, आज वो कॉलेज बन गया है। जहाँ पहले बच्चियों को चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, आज वहाँ की बच्चियाँ सभी प्रकार की आधुनिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। नारी को अबला से सबला बनाने का यहाँ पूरा प्रयास किया जाता है। जहाँ एक ओर उन्हें डॉक्टर इंजीनियर और वकील बनने की शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए योगा का पाठ भी पढ़ाया जाता है। आज यहाँ की बच्चियाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुँचाने के लिए कठपुतली के तमाशों का आयोजन करती हैं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। और इस तरह शुरू होता है लक्ष्मी की पढ़ाई का दौर, उसका सुधार यानी उसके परिवार का सुधार। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक भी खेले जाते हैं। एक एम है जो एक मकसद है यहाँ तालीम देने का, जिसको लेकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और वही जहाँ बेगम साहिबा ने शुरू किया स्कूल, कि यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती बल्कि तरबियत भी दी जाती। यहाँ की एक रिवायत है, यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ की एक तहजीब है, तो वो तो उन्हीं की डाली हुई थी। तो हम मैं मुसलमान लड़कियों के बारे में तो ये कह सकती हूँ कि हज़ारों और लाखों मुसलमान लड़कियाँ जो थीं वो बग़ैर तालीम के रह जाती। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन।
वो स्कूल जिसका विरोध एमएओ कॉलेज के बहुत से लोगों ने किया था, आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। आज भी बच्चियों को शुरुआती दौर की वो कहानी हर साल सुनाई जाती है। सईदा आपा जैसी सैकड़ों हजारों बच्चियां यहाँ आती हैं, पढ़ना लिखना सीखती हैं, संघर्ष करना सीखती हैं और जीना सीखती हैं। जिंदगी की ये किताब जब आला बी और पापा मियाँ ने खोली, तब शायद उन्हें खुद ही अंदाजा नहीं था कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने तो बस वही किया जो उनके ख्याल में सही था। Thank you.